नन्ही नैना अपनी तीन सहेलियों के साथ गांव की नदी के किनारे लगोरी खेल रही थी। नैना ने गेंद फेंकी और उसके दो सहेलियों ने चिप्पी उठा ली। नैना जब उन दोनों के पीछे दौड़ रही थी, तभी उसका ध्यान दो व्यापारियों पे गया, जो चांदी के जेवर लेकर नदी के उसी गांव की ओर आ रहे थे। मधुरा, जिया, पलक, वो देखो। अरे वाह, कितने खूबसूरत जेवर। मैं तो माँ से बोल के कंगन लूंगी। मैं भी। नैना उदास हो गई। क्या तुम्हें कंगन नहीं चाहिए? मुझे भी कंगन चाहिए, पर दादी के पास पैसे नहीं होंगे। नैना, तुम दादी से बोल के तो देखो। दादी तो मेरे पापा से भी बड़ी हैं, उनके पास तो पैसे होंगे ही। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तुम मेरी बात सुनो, घर जाओ और दादी से बोलो। वो ना माने तो हट करना। आखिर तुम्हारा रोना धोना देखकर वो तुम्हें भी कंगन दिला ही देंगी। ठीक है, अभी घर जाके दादी से बात करती हूँ। नैना वहाँ से दौड़ते हुए निकली। उसका ध्यान नहीं था और उसने राह चलती हुई एक मोटी मौसी को धक्का मार दिया और वो खुद जमीन पर गिर गई। अरे ओ नैना, आँखें हैं या टमाटर? मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रही क्या? माफ कर दो मौसी, थोड़ी जल्दी है। पता नहीं आजकल के बच्चों को इतनी जल्दी क्यों रहती है। नैना हाँफते हुए अपने घर पहुँची। दादी, दादी। क्या हुआ नैना? वो गांव में जेवर बेचने वाले व्यापारी आए हैं। वो तो हर साल आते हैं, इसमें कौन सी नई बात है? मुझे भी कंगन चाहिए। नैना, तुम्हें तो पता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन मेरी सारी सहेलियां कंगन लेने वाली हैं। मुझे नहीं पता, मुझे भी कंगन चाहिए। दादी, मुझे कंगन चाहिए। नैना ने रोना शुरू कर दिया। नैना की हट देखकर दादी उसके पास आई। बेटा, हमारे पास पैसे नहीं हैं, कोई कमाने वाला भी नहीं है। अगली साल थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके अपनी राजकुमारी के लिए उसका मन पसंद कंगन ले लूंगी। नहीं दादी, मुझे कंगन चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, अगर हमारे पास घर में इतने पैसे हैं, तो हम कंगन ले लेंगे। चांदी के जेवर के व्यापारी गांव में अलग अलग घूमकर जेवर बेचने लगे। भुवन गांव में घूमते हुए ग्राहकों को बुला रहा था। चांदी के जेवर ले लो, चमकते कंगन ले लो, चमकती नथनी ले लो। और दूसरा व्यापारी जीवन जेवर बेचने मधुरा के घर आया, जहां मधुरा की दादी ने मधुरा के लिए एक चांदी का कंगन खरीद लिया। शुक्रिया दादी। और वहां नैना व्यापारियों की राह तकते हुए दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसे भुवन आता हुआ दिखा। चांदी के जेवर ले लो, चमकते कंगन ले लो, चमकती नथनी ले लो। ओ काका, यहाँ आइए, मुझे कंगन चाहिए। नैना ने भुवन को अपने घर में बुला लिया और फिर दादी ने भुवन से कहा, अरे बेटा, इस बच्ची के माप का कोई कंगन है क्या?
है ना चाची, ये देखिए। नैना ने एक कंगन पहना जो उसे बहुत अच्छा लगा। इस कंगन का कितना दाम है? चाची, है तो ये खरा चांदी, लेकिन बच्ची को इतना पसंद आया है इसलिए इसका दाम सिर्फ 20 सिक्के। 20 सिक्के? अरे बेटा, इतनी तो हमारी महीने की भी कमाई नहीं है। अरे चाची, जब कंगन खरीदने के पैसे नहीं है तुम्हारे पास तो मुझे रुकाया ही क्यों? खाली पीली मेरा टाइम खराब कर दिया। इतने समय में तो मैं 2 और कंगन बेच लेता। भुवन निकलने ही वाला था और वहाँ नैना उदास हो गई। नैना की रोते हुए शक्ल देख दादी बोली, रुको बेटा, ये देखो, ये मेरा कंगन है। क्या इसके बदले तुम बच्ची के लिए कंगन दे सकते हो? भुवन ने वो कंगन अपने हाथों में लिए। उसपे कुछ काली परतें चढ़ी हुई थीं। भुवन ने नाखून से उन परतों को खुरेदा तो उसे दिखा कि वो कंगन खरे सोने का था। अरे बाप रे, ये कंगन तो खरे सोने का है। लगता है बुढ़िया को ये पता नहीं है। क्यों न मैं इस कंगन को कौड़ियों के भाव खरीदूं? ये तो बिल्कुल व्यर्थ है, ये बिल्कुल काला हो चुका है। इसके बदले में बच्ची को कंगन नहीं दे सकता, लेकिन कानों की बाली जरूर दे सकता हूँ। लेकिन मुझे तो कंगन ही चाहिए। मैं तो सिर्फ बाली ही दे सकता हूँ। हाँ, दादी ने नैना की ओर देखा और भुवन वहाँ से चला गया। भुवन घर से बाहर निकला। थोड़ी देर में वापस आके सौदा कर लूंगा। वाह, आज तो सोने का कंगन मिलेगा। भुवन वहाँ से चला गया और नैना फिर दरवाजे पर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद जीवन वहाँ पहुँचा। जेवर ले लो, चांदी के जेवर ले लो। ओ काका, यहाँ आइए, मुझे कंगन चाहिए। एक बार फिर दादी व्यापारी से बात करने लगी। बेटा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं जिससे मैं एक चांदी का कंगन ले सकूं। ये देखो, ये मेरा कंगन है। तुम इसके बदले अगर बच्ची को कोई कंगन दे सको तो बहुत अच्छा होगा। जीवन ने वो कंगन देखा और उसे खरीदी हुई जगह पर खरा सोना दिखा। मौसी, मौसी, ये तो खरा सोना है। तो क्या आप इसके बदले मुझे कंगन देंगे? इसके बदले तो मैं तुम्हें ये सब दे सकता हूँ। ठीक है बेटा, तुम्हें जो उचित लगे वो मुझे इस कंगन के बदले दे दो। जीवन ने दादी को 100 सिक्के और सारे जेवर दे दिए। नैना की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा, वो खुशी से कूदने लगी। जीवन वहाँ से चला गया। जीवन खुशी खुशी नाव में बैठा और नदी पार करने लगा। तभी भुवन नैना के घर आया। बेईमान व्यापारी, तुमने मुझे ठगना चाहा? वो तो भला हो उस दूसरे व्यापारी का जिसने मुझे सच बताया कि मेरा कंगन खरा सोना था। भुवन वहाँ से नदी की ओर दौड़ने लगा। भुवन नदी के पास पहुँचा और उसने जीवन को नाव में देखा। तुम्हें तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा, वो कंगन मुझे चाहिए। भुवन भागता हुआ फिसल गया और वो नदी में जा गिरा। इसलिए कहते हैं कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है।